हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री ओनली में। दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन देखी जाए तो इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन पर अलग अलग पोस्ट रखी गई है, जैसे कि कुछ पोस्ट ITI बेस पे है, कुछ पोस्ट 12th पास वालों के लिए है और बाकी जो कुछ पोस्ट है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी इसमें पोस्ट रखी गई है। साथ ही दोस्तों, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 9 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 30 सितंबर तक रखी गई है। और इसमें टोटल पदों की संख्या देखी जाए तो 345 इसमें दोस्तों टोटल पद रखे गए हैं। और इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन वाइज पोस्ट कितनी रखी गई है और पोस्ट वाइज जो एज लिमिट रखी गई है तो किस पोस्ट के लिए कितनी एज लिमिट है और इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इस तरह की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यह नोटिफिकेशन आपको देखना है, पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्कशन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं तो वहीं आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा। फिर दोस्तों, इसमें आगे देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मानक भवन जो कि इसका एड्रेस दिया गया है न्यू दिल्ली। फिर दोस्तों, इसमें आगे देख लेते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS द स्टेचुरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट एंड सिस्टम सर्टिफिकेट हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी लेबोरेटरी टेस्टिंग ETC इन द कंट्री, यानी जो कि अपने देश का दोस्तों जो भी सिल्वर गोल्ड के लिए हॉलमार्क्स है, बाकी इसमें जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है प्रोडक्ट के उसके बारे में उसका सर्टिफिकेशन वगैरह यहीं से प्राप्त किया जाता है इसी विभाग द्वारा। फिर दोस्तों, इसमें आगे है, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल इंडिविजुअल्स फॉर फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द फॉलोइंग पोस्ट एट BIS हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली एंड BIS ऑफिसेस लोकेटेड इन द कंट्री, यानी कि दोस्तों आप जो भी लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो उनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है BIS पोस्ट के लिए, तो ये न्यू दिल्ली के हेडक्वार्टर्स के लिए भी रहेगा और बाकी जहाँ 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 देश में ऑफिस हैं इसके तो वहाँ आपको पोस्टिंग दी जाएगी। फिर दोस्तों, इसमें एज पर द डिटेल्स गिवेन बिलो, बाकी डिटेल्स जो है नीचे दी गई इसमें, तो इसको देख लेते हैं। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज के बारे में यहाँ नीचे बात की गई है, तो सबसे पहले नंबर पर है जो कि नेम ऑफ पोस्ट है, फिर पे लेवल आपका दिया गया है और मैक्सिमम एज लिमिट है, टोटल वैकेंसी कितनी है, फिर दोस्तों कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसी भी दी गई है। तो इसमें दोस्तों देख लेते हैं जो कि ग्रुप ए की पोस्ट है, सबसे पहले तो सबसे जो पहली पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की जो कि पोस्ट है फाइनेंस फॉर फाइनेंस के लिए, तो लेवल जो कि 10 की पोस्ट है, इसमें आपकी सैलरी 56,100 से 1,77,500 रुपये का रहेगा। उसके बाद दोस्तों, इसमें एज लिमिट देखा जाए तो जो मैक्सिमम एज है 35 साल रखी गई है। उसके बाद दोस्तों, इसमें टोटल पदों की संख्या सिर्फ एक रखी गई, वो भी EWS कैंडिडेट के लिए एक पद रखा गया है। उसका जो अगली पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर की मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए, यह भी लेवल 10 की पोस्ट है, सैलरी सेम है, एज लिमिट भी इसमें दोस्तों 35 ईयर मैक्सिमम रखी गई है। एक पोस्ट इसमें भी है और वो भी दोस्तों एक OBC कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट रखी गई है। फिर जो अगली पोस्ट है दोस्तों, ये है असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी की, इसमें लेवल 10 की यह भी पोस्ट है, सैलरी भी सेम है, एज लिमिट जो मैक्सिमम है 35 यानी 35 साल रखी गई है, इसमें भी एक पद रखा गया है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए एक पद रखा गया है। फिर दोस्तों, इसमें अगली जो पोस्ट है ग्रुप बी की पोस्ट रखी गई है, तो सबसे पहली जो इसमें पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि लेवल 6 की पोस्ट है, इसमें जो आपका बेसिक पे रहेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये रहेगा, मैक्सिमम जो एज रखी गई है 30 साल इसमें मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी। टोटल पदों की संख्या देखी जाए तो इसमें 27 रखी गई है, जिसमें से 12 पोस्ट जनरल के लिए, 2 पोस्ट EWS कैंडिडेट के लिए, 4 पोस्ट ST के लिए, 2 पोस्ट ST वालों के लिए और 7 पोस्ट जो है OBC कैंडिडेट के लिए रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी SO की पोस्ट है, लेवल और दोस्तों सैलरी इसमें सेम है, इसमें जो एज लिमिट है वो भी मैक्सिमम एज है वो 30 साल रहेगी। टोटल पदों की संख्या 43 इसमें रखी गई है, जिसमें 15 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, 5 EWS कैंडिडेट के लिए, 6 जो है वो ST के लिए, 3 पोस्ट ST के लिए और 14 पोस्ट OBC कैंडिडेट के लिए रखी गई है। फिर दोस्तों, इसमें अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की, यह भी दोस्तों लेवल 6 की पोस्ट है और सैलरी भी इसमें सेम है, मैक्सिमम एज जो है इसमें भी 30 साल रखी गई है, इसमें टोटल पदों की संख्या 1 है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए एक पोस्ट इसमें रखी गई। दोस्तों, इसमें अगली जो पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट रखी गई है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, तो सबसे पहले इसमें पोस्ट है स्टेनोग्राफर की जो कि लेवल 4 की पोस्ट है, बेसिक पे इसमें 25,500 से लेकर 81,100 रुपये रहेगा, इसमें जो मैक्सिमम एज रखी गई 27 साल रखी गई है,
टोटल पदों की संख्या देखी जाए तो 19 पद टोटल हैं, जिसमें 10 पद जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, 2 पद जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, 1 पद एससी के लिए, 2 पद एसटी के लिए और 4 पद जो है वो ओबीसी के लिए रखे गए हैं। जिसमें जो अगली पोस्ट रखी गई दोस्तों वो है सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, एसएसए की, ये अभी लेवल 4 की पोस्ट है। इसमें जो आपकी बेसिक पे रहेगी 25,500 से 81,100 रुपये रहेगा। मैक्सिमम जो एज है 27 साल रखी गई है। टोटल पदों की संख्या 128 इसमें रखी गई है, जिसमें 58 यानी 58 पद जनरल कैटेगरी के लिए, 12 पद जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, 19 पद जो है ये एससी कैंडिडेट के लिए और 5 पद जो है एसटी के लिए और 34 पद इसमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं। इसमें अगली जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की यानी जैसे की, इसमें लेवल जो कि 2 की पोस्ट है, इसमें आपकी बेसिक पे रहेगी 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक। जो मैक्सिमम इसमें एज लिमिट रखी गई है 27 साल रखी गई है। टोटल पदों की संख्या देखी जाए तो 78 है, जिसमें दोस्तों 32 जो है जनरल कैटेगरी के लिए, 8 पोस्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, 10 पोस्ट जो है वो एसटी के लिए, 6 पोस्ट एसटी के लिए और 22 पोस्ट जो इसमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं। इसमें अगली जो ग्रुप बी की पोस्ट रखी गई है उनको देख लेते हैं, जो कि पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिनका है, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की, इसमें जो है लेवल 6 की पोस्ट है। सैलरी दोस्तों 35,400 से 1,12,400 आपका जो है पे स्केल रहेगा। इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल रखी गई है। इसमें टोटल पदों की संख्या देखी जाए तो 27 पद इसमें रखे गए हैं, जिसमें जनरल वालों के लिए 16 पद, 2 पोस्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, 1 पोस्ट जो है एससी के लिए, 4 पोस्ट एसटी के लिए और जो 4 पोस्ट है वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए रखा गया है। उसके बाद इसमें दोस्तों डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी जिसमें दी गई है, मैकेनिकल वालों के लिए कितनी दी गई है और केमिकल के लिए और माइक्रोबायोलॉजी के लिए इसमें अलग अलग पोस्ट जो है इसमें बताई गई है। फिर दोस्तों ग्रुप सी की पोस्ट अगली है, जो कि सीनियर टेक्नीशियन की रखी गई है या लेवल 4 की पोस्ट है। इसमें सैलरी जो है आपकी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये रहेगी। मैक्सिमम जो है 27 साल इसमें भी रहेगी। टोटल पदों की संख्या 18 है, जिसमें से 11 जनरल के लिए, 1 पद जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 पद एससी के लिए, 1 पद एसटी के लिए और 4 पोस्ट जो है वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें भी डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी जो कि कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर और फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इन सब के लिए अलग अलग जो है ये पोस्ट रखी गई है। आपके पास इसमें आईटीआई का होना चाहिए, स्ट्रेस से जो है आपके पास आईटीआई होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन वायरमैन की या लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें दोस्तों 19,900 से 63,200 आपका पे स्केल होगा। 27 साल जो है मिनिमम मैक्सिमम जो है आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और टोटल पदों की संख्या देखी जाए तो इसमें भी 1 पद इसमें रखा गया है, वो भी जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 पद इसमें रखा गया है। फिर दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई नीचे दिया गया है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ दिया गया है सबसे पहले कैंडिडेट्स आर टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि दोस्तों केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से जो है आपका अप्लीकेशन अप्लाई करना है, वही एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्लीकेशन फ्रॉम 9 सितंबर 2024, यानी इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और अप्लीकेशन है वो 9 सितंबर से स्टार्ट किया जाएगा और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर तक रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें आ गए हैं फॉर द फर्दर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, बाकी आप डिटेल जो भी प्राप्त करना चाहते हैं तो www.bis.gov.in के माध्यम से आप जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारा चीज़ देख सकते हैं। हालांकि भी जो है फुल नोटिफिकेशन इसका आया नहीं है, अगर फुल नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो हम आपके लिए प्रॉपर एक वीडियो फिर से लेकर आएंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्योंकि बाकी चीज़ का तो पता चल गया है, इसके फॉर्म की फ़ीस क्या रखी गई है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, उस चीज़ का भी पता नहीं चल पाया है। तो जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आता है तो हम आप लोग को इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो आप लोग तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो है अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।